भरोसा देती है अक्सर मासूम चेहरों की चमक। हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। भरोसा करते वक्त हमेशा होशियार रहना दोस्तों, क्योंकि फिटकरी और मिश्री हमेशा एक जैसे ही नजर आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, फिर से आपके साथ रियल एस्टेट की दुनिया से बहुत ही अहम प्रश्न के साथ, जो कि मेरे एक दर्शक कृष्ण कुमार जी ने दिल्ली के जंगपुरा से मुझसे पूछा है। मैं समझता हूं कि मेरी यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी जो कि अपना मकान या दुकान या फिर कोई और प्रॉपर्टी रेंट पर अक्सर देते रहते हैं या देना चाहते हैं। कृष्ण जी ने लिखा है कि हम अपने मकान के ऊपर के दो फ्लोर पिछले कई वर्षों से किराए पर देते आ रहे हैं और उसका रेंट एग्रीमेंट भी 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही कर रहे हैं। पहले मेरे पिताजी यह सब काम करते थे, उनका 4 महीने पहले देहांत हो गया और अब इस तरह के सारे काम की जिम्मेवारी मुझ पर आ गई है। हमारा 200 गज का 3 मंजिली मकान है जो कि मेरे पिताजी के नाम पर है। माताजी पिछले कई वर्षों से वृंदावन में ही रहती हैं। अब दोनों किराएदारों में से एक का एग्रीमेंट खत्म होने जा रहा है। कृपया बताएं कि आगे भी इसी तरह से 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही नया एग्रीमेंट चलने दूं, इससे मुझे भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी और यदि आएगी तो क्या? कृष्ण कुमार जी, पहले तो बहुत अफसोस है कि आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। परमपिता परमात्मा से मैं यही दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। दूसरे, आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है तो मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को इस तरह से लेता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी कार के टेक्नीशियन से यह पूछे कि मैंने आज रात को अपनी कार में पूरे परिवार के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है और मेरी कार में स्टेपनी नहीं है, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा ना? वैसे कई बार मैं पहले भी इसी तरह से बिना स्टेपनी के अलग अलग जगह पर गया हूं, कभी कोई दिक्कत आई नहीं। तो आप ही बताएं कि वो कार मैकेनिक आपको इसका क्या जवाब दे सकता है, इसकी क्या गारंटी दे सकता है? अक्सर आप ही की तरह के प्रश्न समय समय पर मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं। भाई साहब, मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से ही उन सभी लोगों को आज इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। दरअसल हमारे देश के हर राज्य में वैसे तो किराए पर अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी और को देने पर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है, लेकिन पूरी दिल्ली में जो व्यवस्था है, सरकार ने किराए को लेकर जो व्यवस्था बनाई है या कहें कि इससे संबंधित कानूनी नियमों के तहत जो भी किराया आप अपने किराएदार से ले रहे हैं उस अमाउंट के हिसाब से पूरे वर्ष यानी कि 12 महीनों का जो भी किराया बनता हो, जो कुल किराया बनता हो, उसके 2% अमाउंट की जो रकम बनेगी, उतने रुपयों के स्टैम्प पेपर खरीद कर उस पर रेंट एग्रीमेंट लिखने का प्रावधान है। और अगर आप सिक्योरिटी अमाउंट भी किराएदार से ले रहे हैं तो उसमें 100 रुपये के स्टैम्प पेपर की कॉस्ट को भी आप अलग से जोड़ दें। इस सब के साथ साथ उस रेंट एग्रीमेंट को अपने एरिया से लगते सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाना पड़ता है। और हाँ, यदि आप अपने किराएदार से केवल 11 ही महीने का या उससे कम का एग्रीमेंट करते हैं तो फिर उस एग्रीमेंट को सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर स्टैंप ड्यूटी फिर भी आपको पूरी देनी पड़ेगी। आपने जैसा बताया कि मकान आपके माताजी के नाम पर है और वह पिछले कई वर्षों से वृंदावन रहती हैं, लेकिन मुझे आपने यह नहीं बताया कि आपके स्वर्गीय पिताजी ने आपकी माताजी से अटॉर्नी ले रखी थी या नहीं। मगर अब अगर मकान के रेंट एग्रीमेंट को आप खुद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपको अपनी माताजी से पहले अपने नाम पर अटॉर्नी लेनी पड़ेगी, जिसमें कि लिखा होगा कि आप उनके बिहाफ पर किराएदार के साथ किए गए एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसे कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करवाना होगा, तभी आप उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अब बात आती है, जैसा कि आपने पूछा कि 50 रुपये के स्टैंप पेपर पर यदि आप एग्रीमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी और यदि आएगी तो क्या? तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे किराएदार गलत नहीं होते, केवल कुछ ही लोग मकान खाली करने में दिक्कत करते हैं। यदि देखा जाए तो ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 1-2% ही होती है, लेकिन ठीक या गलत
यह किसी भी इंसान के माथे पर तो लिखा नहीं होता। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि फिटकरी और मिचरी यह दोनों दिखने में एक जैसी होती हैं। एक कहावत है ना कि एक मछली सारे के सारे तालाब को गंदा कर देती है। सिर्फ इसीलिए आपको अपनी कोई भी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को किराए पर देते समय कानूनी रूप से अपने सारे काम पक्के रखने चाहिए, परफेक्ट रखने चाहिए। क्या मालूम वो 1-2% वाले किराएदार में से कोई आप ही को ना टकरा जाए। क्योंकि इस तरह की घटना जब किसी के साथ घटती है ना, जब उनका किराएदार किराया भी देना बंद कर दे और मकान भी खाली ना करे, तो उस प्रॉपर्टी के मालिक की रातों की नींद उड़ जाती है और वह बेचारा सोते जागते बस यही सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी अब कब और कैसे खाली होगी। हालांकि प्रॉपर्टी तो मकान मालिक की थी और उसी की रहती है, लेकिन अगर आपका रेंट एग्रीमेंट ठीक नहीं बना हुआ, उस रेंट एग्रीमेंट में लिखे कंटेंट्स ठीक नहीं है और आपने कच्चे लालच में चलते कुछ रुपया बचाने की खातिर स्टैंप ड्यूटी पूरी नहीं दी, ऐसे केस में यदि आपका किराएदार गलत निकल आया तो आपके द्वारा बचाया गया कुछ पैसा, कुछ अमाउंट आपको कई गुना ज्यादा नुकसान करवा जाएगा। क्योंकि इस तरह से यदि आप अपनी प्रॉपर्टी उस किराएदार से खाली करवाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो पहली ही नजर में आपके किराएदार की तरफ से पेश हुआ वकील जज साहब से यह कहेगा कि इस लैंडलॉर्ड ने तो सरकारी स्टैंप ड्यूटी ही पूरी नहीं दी, लिहाजा इस केस को यहीं डिसमिस यानी कि खारिज किया जाए। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इससे आपका वो केस खारिज हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी खाली नहीं होगी। इसका भी कानून में प्रावधान है कि यदि आपने किसी कारणवश रेंट एग्रीमेंट करते समय सरकार को पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं दी या नहीं दे पाए, तो आपको अपने एरिया के सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी कि SDM की कोर्ट में एक अर्जी लगानी पड़ेगी। उसमें आपको कारण बताना होगा कि आप किस वजह से पूरी स्टैंप ड्यूटी नहीं दे पाए। आपकी उस एप्लीकेशन के आधार पर SDM अपनी कानूनी पावर का यूज करते हुए आप पर 10-20% से लेकर 100% तक जुर्माना लगा सकता है। और अगर आप SDM द्वारा लगाई गई पेनल्टी जमा करवा देते हैं तो SDM आपके उसी 50 रुपये के रेंट एग्रीमेंट पर बाकी रुपया जो आपने पेनल्टी के रूप में जमा करवाया होगा उसकी स्टैंपिंग कर देगा, जिससे कि आप अदालत में किराएदार के खिलाफ फुल प्रूफ केस लड़कर अपना मकान खाली करवा सकते हैं। लेकिन आप यह देखें कि कच्चे लालच में सिर्फ कुछ रुपया बचाने की खातिर जो आपको उस समय कष्ट झेलना पड़ेगा, उस कष्ट की आप कीमत कैसे आंकेंगे। इसलिए मेरी तो यही राय है कि अपनी किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को किराए पर देते हुए आप स्टैंप ड्यूटी का पूरा भुगतान अवश्य करें। दूसरे, आपके रेंट एग्रीमेंट में कंटेंट्स बहुत बढ़िया, बहुत क्लियर होने के साथ साथ आप टेनेंट से पूरे समय के पोस्ट डेटेड चेक भी लेकर रखें। रेंट एग्रीमेंट करते समय अच्छे और बढ़िया कंटेंट्स क्या होते हैं जिससे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देकर सेफ रह सकें, वह मैं आपको अपनी कुछ अगली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। और हाँ, जिन मित्रों ने मेरे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब किया है, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियल इस्टेट से रिलेटेड कुछ और ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं जल्द ही आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार, राम राम, सलाम, सात श्री अकाल, जय हिंद। आपका अपना गिरीश शर्मा।